श्री जी फूड, मैं हूं मनीषा ठक्कर। आज हम देखेंगे कि साउथ इंडियन रेस्टोरेंट में जो सांबार सौ होता है उसे घर पर किस तरह से बनाना है। इसे आप इडली, डोसा, मेंदू वड़ा, उत्तपम, किसी भी साउथ इंडियन डिश के साथ सर्व कर सकते हो। तो चलिए इसे कैसे बनाना है वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम सांबार बनाने के लिए कोई हैवी बॉटम की कढ़ाई में बॉईल की हुई तुअर की दाल ले लेंगे। यहाँ पे मैंने आधा कप तुअर की दाल ली थी और उसे पानी से वॉश करके आधा घंटा भिगो के रखा था। फिर उसे कुकर में लेकर उसके साथ 1.5 से 2 कप जितना पानी डालकर उसकी 5 विसल कर लेनी है। जब भी आप सांभर के लिए तुअर की दाल का इस्तेमाल करते हैं तो हो सके तो आप बिना तेल वाली तुअर की दाल का इस्तेमाल करें, उसका स्वाद ज़्यादा अच्छा लगता है। और दाल के साथ अभी मैंने 1.5 से 2 कप जितना पानी और डाला है। अब हम इसमें बॉईल की हुई सब्जियां डालेंगे और सब्जियों को भी मैंने दाल के साथ ही बॉईल कर लिया है। दाल के ऊपर इस तरह से मैंने सब्जियां चॉप करके कटोरी में रख दी थी, तो दाल के साथ ही ये सब्जियां बॉईल हो जाती है, तो हमें अलग से इसे बॉईल करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे मैंने सब्जियों में लौकी, आलू, टमाटर और जो ड्रमस्टिक आती है उसका इस्तेमाल किया है। आपके घर में जो भी सब्जी अवेलेबल हो या आपको जो भी सब्जी पसंद हो वो इस्तेमाल करके भी आप ये सांभर बना सकते हैं। तो अराउंड ये 1 कटोरी जितनी सब्जियां है। इसी के साथ हम मीठे नीम के पत्ते डालेंगे जिसे मैंने वॉश करके रखा था। 1/2 चम्मच अदरक हरी मिर्च का पेस्ट डालेंगे। अब हम इसमें मसाले करेंगे। तो सबसे पहले स्वाद अनुसार नमक, 1/2 चम्मच हल्दी। अगर आपने दाल को बॉईल करते समय नमक और हल्दी का इस्तेमाल किया है तो आपको यहाँ पे थोड़ी ही क्वांटिटी में नमक और हल्दी डालना है। 1 से 1.5 चम्मच जितना धनिया जीरा पाउडर, 1 चम्मच या आप जैसा तीखा खाते हो उस हिसाब से लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच सांबर मसाला डालेंगे। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आप प्याज खाते हैं तो प्याज को भी आप सब्जियों के साथ बॉईल करके इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे हम डालेंगे इमली का पल्प। तो इमली को मैंने 1/2 घंटा पहले हल्के गुनगुने गर्म पानी में भिगो के रखा था ताकि इमली अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। अब हम हाथ से इसे मसल लेंगे और इसका जो पानी है वो हम सांभर में ऐड करेंगे। तो अराउंड 2 से 3 चम्मच जितना ये इमली का पानी है। अगर आपको इमली सूट नहीं होती तो आप सांभर बन जाए उसके बाद थोड़ा सा नींबू का रस भी इसमें डाल सकते हैं। हमने इसमें इमली डाली है तो इसका खट्टापन बैलेंस करने के लिए मैंने इसमें छोटा गुड़ का टुकड़ा डाला है, लेकिन आपको अगर सांभर का खट्टा टेस्ट पसंद हो तो आप गुड़ स्किप कर सकते हैं। दाल को हम मिक्स करके मीडियम आंच पर 10 से 12 मिनट तक बॉईल होने देंगे। तो दाल जब तक बॉईल होती है हम इसका तड़का तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच तेल गरम करने के लिए रखा है। तेल जब गरम हो जाए उसके बाद हम इसमें राई डालेंगे। इसमें सूखी लाल मिर्च डालें और राई चटक जाए उसके बाद गैस बंद करके ये तड़का हम सांभर में ऐड करेंगे। सांभर में तड़का ऐड करने के बाद भी हमें सांभर को 5 मिनट तक उबालना है, तो टोटल हम इस सांभर को 15 मिनट तक उबालेंगे। आखिर में हम इसमें थोड़ा कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। अब ये हमारा टेस्टी सांभर बनकर तैयार है। अभी जो मेजरमेंट लिया उससे आप 4 लोगों को सर्व कर सको उतना सांभर बनकर तैयार होता है। ये बहुत ही टेस्टी बनता है, तो आप भी बनाकर जरूर ट्राई करें। इसी के साथ मैंने चैनल पर और भी बहुत सारी साउथ इंडियन डिशेज की रेसिपी आपके साथ शेयर की है, जिसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। उम्मीद है आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा।